नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं Isuzu D-Max V-Cross के बारे में। ये एकदम नई V-Cross है और काफ़ी सारे फीचर्स जो है यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर में बदले गए हैं। क्या सब चीज़ें उनकी बात करते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग DRLs है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है और नीचे की तरफ आपको जो है यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है, ये मिलता है आपको फॉग लैम्प, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और काफ़ी माचो लुक जो है वो आगे की तरफ आपको बम्पर्स वगैरह का मिलता है। आप ये चीज़, ये डिज़ाइन जो एलिमेंट जो है नोटिस कर सकते हैं, क्रोम में भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। ही इधर की तरफ आपके पास में व्हील जो है वो अवेलेबल है 18 इंचेस का, 265/60R18 ये टायर की साइज़ है। वी क्रॉस की बैजिंग यहाँ लगी हुई है, ब्लैक फिनिश में जो है आपको ये डोर हैंडल्स जो है देखने को मिलते हैं। इधर की तरफ आपको ब्लैक मिलता है, ये एक्चुअली अंदर से वैसे ही खुलता है। वी मैक्स का मतलब ऑब्वियसली 4x4 डिफ्लॉक के साथ अवेलेबल है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। Isuzu D-Max ब्रांडिंग है। लोडिंग बे जो है वो भी एक्चुअली काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ऑलरेडी आपको जो है एक्चुअली येस कवर जो है वो दिया जाता है, सीधा मेटल जो है वो टच नहीं होता है। काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग जो है ओवरऑल लग रही है इसकी। आपको साइड में स्टेप नहीं दी जाती, आपको यहीं से रख के चढ़ना पड़ता है। उसके बाद में ये आपके पास में ब्रेक लाइट्स है जो इंडिकेटर, और पीछे की तरफ आपका रिवर साइड जो है वो भी वहाँ पर देखने को मिलती है। पहले चलते हैं आगे और वहाँ बात करते हैं कि क्या सब चीज़ें जो है अंदर देखने को मिलती हैं हमारे पास में। ये वाला जो है आपके पास में टॉप स्पेक अवेलेबल है, जिसमें 140 bhp और 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपके पास में 4x4 ऑब्वियसली आता है। इधर की तरफ आपके पास में अगर आप देखेंगे तो सारे कंट्रोल्स हैं, ये पावर विंडोज़ के हैं, ये कंट्रोल जो RVM के हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक करना होता है। इधर डिसेंट फिनिश जो है इनकी भी है, दो ये सब हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे लेदर है बट यहाँ पे पूरा हार्ड प्लास्टिक है, बट अच्छी फिनिश जो है ओवरऑल यहाँ पे D-Max V-Cross की लग रही है। इधर स्टीयरिंग व्हील पे काफ़ी सारे कंट्रोल दिए गए हैं, जो कि बेसिकली ये सारे क्रूज कंट्रोल के हैं। ये जो बीच में आप कंट्रोल देख रहे हैं, इनसे आप ये MID में टॉगल कर सकते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं अभी तो MID जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, एक्चुअली आपको नज़दीक ले जाकर दिखाता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे MID में, हालांकि थोड़ा सा रीड करने में अजीब सी है। मैं बता देता हूँ, ये ट्रिप A ट्रिप B, उसके बाद में यहाँ पे जो है आपके पास फ्यूल एफिशिएंसी का डेटा है, उसके बाद नेविगेशन का डेटा है, म्यूज़िक, उसके बाद में गाड़ी जो है उसका स्टेटस 4x4 पे है, 4H पे है, किस पे है, और यहाँ पे जो है सेटिंग्स जो है उसका स्टेटस है। सेटिंग्स में अभी जो है करंटली लैंग्वेज में चेंज करता हूँ, वरना आपको समझ नहीं आ रही है कि भैया ये लैंग्वेज क्या लिखी हुई है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो है आपके पास में ऊपर ड्राइविंग सपोर्ट सेटिंग्स, तो यहाँ पे जो है आपके पास मल्टीपल चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है, मेंटेनेंस, मीटर सेटिंग्स, बॉडी इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स, ड्राइविंग सपोर्ट सेटिंग, और ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। इस तरफ आपके पास में टैकोमीटर है, ये जो आप देख पा रहे हैं स्पीडोमीटर आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। इनफैक्ट ये वाला पार्ट थोड़ा सा चीप लगा मुझे, जिस तरीके का ये हॉर्न पैड है, बट ये यहाँ से सही फील होता है। इधर थोड़ा सा फिनिशिंग बेटर नहीं लगती, हो सकता है यूनिट की प्रॉब्लम हो। इधर आपके पास में इंडिकेटर्स है और इधर आपके पास वाइपर कंट्रोल है, इधर आपके पास में इंडिकेटर और हेडलाइट कंट्रोल जो है देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ आपके पास में स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करना हो, या ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना हो, या हेडलाइट लेवलिंग करनी हो, तो उसका ऑप्शन आपके पास यहाँ अवेलेबल है। ये बीच में आपके पास में स्क्रीन है जो कि काफ़ी डिसेंट है एक्चुअली। अभी आउटगोइंग आप D-Max V-Cross को देख लो तो उससे तो बहुत ही बेटर है। यहाँ पे क्या सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, नेविगेशन, म्यूजिक सिस्टम जो आपको मिलता है, नेविगेशन जो है वो बिल्ट इन आपको देखने को मिलता है और थोड़ा सा अलग सा स्लो सा काम करता है, बट अच्छा जो है ओवरऑल फील जो है उसका। हर एक तो हर चीज़ में चाइम आ रही है बहुत ही अजीब सी, जो कि थोड़ी सी परेशान सी कर रही है। एनीवे, बट यहाँ नेविगेशन की सेटिंग्स है, यहाँ मेन सेटिंग्स है, सिस्टम सेटिंग, क्लॉक सेटिंग, टाइम, डे लाइट, ऑडियो, डिस्प्ले, ब्लूटूथ, वाईफाई, कैमरा, मल्टीपल सेटिंग्स जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। इधर आपके पास में टच स्क्रीन, ये कंट्रोल्स जो है किसी न किसी गाड़ी की आपको याद जरूर दिलाएंगे। टच स्क्रीन नहीं, सॉरी, इसी के कंट्रोल जो है वो किसी न किसी गाड़ी की याद दिलाएंगे। जो गाड़ी की याद दिलाएंगे उसमें ये टच बेस होते हैं, मतलब हाथ लगाते हो तो इसे टच करके वो करता है, बट इसमें वो फंक्शन नहीं, ऑब्वियसली ये नॉर्मल सा है। ये आपके पास में अच्छा कंट्रोल है 2H 4H 4L का, एटलीस्ट टोयोटा की गाड़ियों से अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। इधर आपके पास में 12 वोल्ट का स्पेस जो है, 12 का चार्जिंग सॉकेट जो वो है। पैसेंजर एयरबैग, USB लगानी है, ऑक्स लगाना है तो वो स्पेस है, फोन वोन रखना हो तो यहाँ स्पेस है। ये आपके पास में गियर लिवर है, ये आपके हिल डिसेंट कंट्रोल, 4x4 रियर डिफ्लॉक अगर आपको करना हो तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक बटन, ये आपके पास चाइम ऑन ऑफ करनी हो तो उसके लिए, ये गियर शिफ्ट रिलीज के लिए है। अगर आपको नहीं पता है कि शिफ्ट लॉक रिलीज क्या होता है तो मेरे इंस्टाग्राम पे एक रील है, वो देख लेना। ये बड़े ऐसे कप होल्डर है एक्चुअल में। यहाँ पे आपके पास में ब्रेक लिवर है और ये आपके पास में कभी स्पेस है, डिसेंट सा स्पेस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद में ऊपर थोड़ा सा स्पेस यहाँ, और ग्लोव बॉक्स जो है
बहुत ही वियर्ड से खुलता है, छोटा सा ग्लोव बॉक्स जो है वो यहाँ भी है, इनफैक्ट एक छोटा सा स्पेस आपके पास यहाँ भी है, हैजार्ड लैम्प का बटन थोड़ा सा यहाँ प्लेस किया गया है, आपके पास ऑटो डिमिंग IRVM नहीं आता है, मैनुअल डिमिंग जो है वो आता है, दो आपके पास में रेन सेंसर जो है वो ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, इधर आपके पास में वैनिटी मिरर विद लाइट विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, ये एक्सटेंड नहीं होता है बट इतना खुल जाता है जो भी अच्छी चीज़ है, उसके बाद में यहाँ पे सनग्लास होल्डर आपको मिलते हैं, हैलोजन लैंप्स मिलते हैं, यहाँ पे भी हैलोजन लैंप मिलते हैं, जो राइवल है हाइलक्स उसमें भी हैलोजन लैंप मिलते हैं, बट आपके पास में जो रेंजर है उसमें ज़्यादा बेहतर लैंप्स मिलते हैं, ऊपर की तरफ स्पीकर जो है वो यहाँ पे माउंट किया गया है, उसके बाद में ये सब चीज़ें ही आगे मैं चलता हूँ पीछे, पीछे वाली सीट पर आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ अवेलेबल है, एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, ये स्टोरेज स्पेस कप वाला वो भी अवेलेबल है, इंग्रेस एग्रेस थोड़ा सा मुश्किल है तो आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि बहुत ही सही प्लेस की गई है, बाहर भी नहीं लटक रही है बट स्पेस भी जो है अंदर काफ़ी अच्छा इसमें है, उसके बाद में पीछे की तरफ स्पेस जो है वो अच्छा है एक्चुअल में, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, आगे वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है, सबसे पहले तो यहाँ पे USB जो है वो लगाने का ऑप्शन है, AC वेंट इधर है, और भी कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे मैगजीन होल्डर है, इधर आपके पास में पावर बटन ग्रैब करने के लिए बड़ी सी बॉटल इसमें फिट हो जाएगी, डिसेंट स्पेस जो है वो पीछे भी है, इनफैक्ट हेडरूम जो है वो भी एक्चुअल में अच्छा है, उसमें भी कोई कमी नहीं है, और मोटा मोटी वैसा ही फील है जैसा टोयोटा हाइलक्स में मुझे फील आया था, और ऑलमोस्ट उतना ही स्पेस है, कोई खास फर्क जो है उसमें नहीं है, जस्ट कि वो थोड़ा सा बेटर फील हाइलक्स में, हल्का सा 19-20 वाली बात है, बट दिस इज़ नाइस एज वेल, इस ग्लास में भी आपको जो है मिलता है डीफॉगर, इनफैक्ट ये जो सीट्स है इनमें तीनों सीट्स के लिए आपको सीट बेल्ट दिया गया है, विच इज़ नाइस, हेडरेस्ट भी तीनों के लिए दिया गया है, और ये सीट्स इजीली आगे आ रही है, बट हाइलक्स की जो है मुझे मिला नहीं था कि कैसे आता है, आई डोंट नो हाइलक्स की फोल्ड हो रही थी या नहीं हो रही थी, बस इसकी इनफैक्ट इसकी सीट की तो कुशनिंग थोड़ी बढ़िया है, तो लॉन्ग राइड्स में थोड़ी कंफर्टेबली या ज़्यादा हो पाएगी, बाकी तो सस्पेंशन पे काफ़ी कर डिपेंड करता है इन गाड़ियों के, जो कि आई डोंट नो कि Isuzu D-Max V-Cross के कैसे होंगे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, D-Max का ये वाला जो है हाईलैंडर वर्जन है जो कि 4x2 में अवेलेबल है, इसमें क्रोम स्ट्रिप आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, अगली वीडियो को दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।